संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। यहाँ रोगी होकर के औषधि लेने की बात नहीं है, अपितु हम रोगी ही ना हो इसके लिए उपायों को या ऐसे आहार विहार को समझने की बात है। विशेष करके आज हमने अभी तक किस तरह से हम निरोग रह सकते हैं उसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी बातें की, और आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार किस तरह के आहार विहार को करने से या किस तरह के उपायों को करने से हम निरोग रह सकते हैं, या आयुर्वेद के हिसाब से जो मुख्य जो कुछ औषधियां हैं जो कुछ रोगों के लिए, या मैं कहूं कि मुख्य रोगों के लिए, या जो अच्छी औषधियां हैं, श्रेष्ठ औषधियां हैं, हम उनकी आज चर्चा करेंगे। क्योंकि आरोग्य के लिए या रुग्णता के लिए आहार को बहुत ही मुख्य कारण माना गया है, तो उसका जो स्थान इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ की, विशेष कर करके आहार के रस के, उसके गुण, वीर्य, विपाक आदि के संदर्भ में भी। तो आज आहार के साथ बहुत सारे आचरण का भी संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उसका अलग अलग तरह का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। विविध तरह के आहार द्रव्यों का, औषधियों का, आचरणों का हमारे लिए निर्देशित किया है, जिसके अंदर बहुत तरह के आचरणों का और विविध तरह के द्रव्यों का निषेध भी किया है। कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से हम कुछ जो सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं या उनके साथ साथ रोगों के लिए कुछ विशिष्ट जो वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, आप देख रहे हैं एक सुंदर गार्डन और इस औषधि उद्यान में हम बैठे हैं, तो हम आज उन जड़ी बूटियों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद की सिद्धांत की हमने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी बात की है, जिन आयुर्वेद के हमारे ऋषियों ने जिन ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिन बातों का उल्लेख किया है, उसको हम एक जगह पर सहजता से आपको उपलब्ध हो सके इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ऋषियों ने कहा कि कुछ जो चर्चाएं हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मूत्र की मात्रा में वृद्धि के लिए, यानी कि जब किसी को मूत्र कम आए तो सर्वश्रेष्ठ, यानी कि हम जैसे कहते हैं टिप्स, आज हम आयुर्वेद के टिप्स की बात करेंगे कि बहुत सारी चर्चा हम फिर करेंगे, पर आज हम टिप्स की बात करेंगे कि जिससे कि आप एक एक लाइन, सिंगल लाइनर में आप बहुत कुछ समझ सकें। कहा मूत्र की मात्रा की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम क्या है, कहा शुगर केन गन्ना, यानी गन्ने का जो रस है वह मूत्रल है, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कहा कि एकदम पेट साफ करने के लिए क्या है, तो उनका कुटकी जो है, जितने भी विरेचन की औषधियां हैं, हालांकि कुटकी थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए आयुर्वेद की जो विरेचन की औषधियां होती हैं उनमें बहुत कम लोग डालते हैं, वो लीवर के लिए बहुत लाभकारी होती है, तो विरेचन में सर्वोत्तम माना गया है कुटकी को। और कहा कि यदि हल्का विरेचन करना हो, यदि मृदु विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, कहा कि जिसको आरगवध कहते हैं हम लोग, अमलतास के आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पर पीले पीले फूल खिलते हैं, लंबे लंबे उसकी जो है फलियां लटकी रहती हैं, वो बहुत अद्भुत है। और छोटे बच्चों के लिए भी उसका गुद्दा खाने में भी वो मिठास युक्त होता है, उसको पानी में भिगो करके आप उसको मसल करके छान करके पिएं, तो मृदु विरेचन के लिए यानी बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और कहा कि यदि किसी को बहुत तीव्र विरेचन कराना हो, किसी का कब्जे नहीं टूट रहा हो, तो क्या करें, कहा कि स्नोही जो थुहर है, कैक्टस है, उसका जो दूध है, यदि उसका विधिवत प्रयोग किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा वो तीक्ष्ण होता है, इसलिए विधिवत प्रयोग का अर्थ ये है कि थोड़ा सा वैद्य के परामर्श के साथ यदि हम उसका प्रयोग करें तो वो बहुत ही अद्भुत है। और कहा कि जो सर के दोष हैं उसके संशोधन के लिए क्या करें, सर के दोष मतलब ऊर्जत्रुगत दोष हैं, उसके लिए सर्वोत्तम औषधि क्या है, कहा कि उसके सर्वोत्तम औषधि अपमार्ग का आप नस्य भी ले सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं, तेल में डाल के उबाल करके पका करके उसको नाक कानों में भी डाला जा सकता है, तो ये बहुत ही जबरदस्त माना गया है। फिर कहा कि स्किन प्रॉब्लम के लिए, कोड के लिए, चर्म रोगों के लिए, या किसी तरह की जो खाद दाद खुजली, इसके लिए सर्वोत्तम औषधि क्या है, एक ही औषधि,
एक ही औषधि के लिए कहा, खरीर, खैर, खैर जिसको कत्था कहते हैं, जो कत्था की लकड़ी का जो अंदर का जो सार भाग होता है जिसमें से कत्था बनाया जाता है, यदि उसको उबाल करके काढ़ा बना करके लिया जाए तो वो बहुत ही अद्भुत है। तो इसलिए कहा कि फिर वात रोगों के लिए क्या है, वात रोगों में हम विविध तरह की औषधियों का वर्णन करते, बोले एक औषधि बता दो वात रोगों के लिए क्या है। तो आयुर्वेद के अंदर कहा कि रासना का जो प्रयोग है, आंतर प्रयोग या बाह्य प्रयोग, रासना का चूर्ण बनाकर आप ले लीजिए, काढ़ा बना करके पी लीजिए, या रासना को उबाल करके उसको सिकाई करिए, कहा कि वायु रोगों के लिए सर्वोत्तम है। और कहा कि सबसे बढ़िया रसायन क्या है, शरीर को शोधन करने के लिए, नया बनाने के लिए, उसके लिए क्या हो सकता है, एक एक ही दवाई बता दो। तो उसके लिए कहा कि इसके लिए जो है आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, यानी कि आंवले को आयुर्वेद के अंदर सर्वोत्तम रसायन कहा गया। देखिए यहाँ भी बड़े बड़े आंवले के पेड़ हैं जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये सर्वोत्तम माना गया है। और कहा कि शरीर में यदि कोई बहुत ही वात रोग बढ़ जाए, बहुत शोथ बढ़ जाए, तो बोले एक औषधि बता दो भाई सूजन कम करने के लिए, सर्वोत्तम औषधि, क्योंकि आयुर्वेद में विविध तरह की जड़ी बूटियों का, औषधियों का प्रभाव और वर्णन है। तो हम भी कई बार कई रोगों के अनुसार रोगों को वर्णन करते हैं, औषधियों का वर्णन करते हैं। तो आज हम आपको एक एक, जैसे कहते हैं ना सिंगल टिप्स, यूँ चुटके में, कि शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए क्या करें, ताकि एरंड की जड़ से बनी हुई जो औषधि है उसको काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं, एरंड का एक्सट्रैक्ट बनाकर टैबलेट बनाकर ले सकते हैं, इवन एरंड के जो तेल है उसको भी दूध आदि के द्वारा डाल करके भी ले सकते हैं। तो एरंड को सर्वोत्तम माना गया है। और कहा कि पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, वात का अनुलोमन करने के लिए, कब्जों को दूर करने के लिए, वायु भी बढ़ी हुई है, कब्ज भी है, और जो है ना पाचन शक्ति भी ठीक नहीं है। जब ये तीन तीन चार चार बीमारी इकट्ठी हो तो बोले बीमारी तो तीन तीन है, पर बोले उपाय एक ही बता दो भाई साहब, बस एक ही उपाय चाहिए, सरल उपाय चाहिए, जिससे कि खटाखट बोले मेरी पाचन क्रिया भी ठीक हो जाए, भूख भी बढ़ जाए, और बोले ये शरीर में दर्द रहता, सूजन रहता, वो भी खत्म हो जाए, सुबह सुबह पेट साफ भी नहीं होता, बोले वो भी साफ हो जाए, बोले एक ही दवाई बता दो। तो कई लोग हमसे कहते हैं, बोले जी बीमारी तो 50 लेकर के गुमराह होता आदमी, कहता जी गुरुजी एक ही बता दो, बस एक ही बता दो, ज्यादा मत बताओ। तो भाई एक ही उपाय है उसके लिए, वो है पिपली मूल, पिपला मूल के नाम से, वह जो है पंसारी के यहाँ भी मिलता है, और उस पिपला मूल का यदि काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो उससे पेट भी साफ होता है, भूख भी लगती है, वायु का शमन भी होता है। और एक बात और बताऊं, पिपला मूल के अंदर वह क्षमता है जैसे किसी को दूध बिल्कुल भी हजम नहीं होता है, यदि आपको दूध पीते ही दस्त लगता है तो आप पिपला मूल का काढ़ा बना करके पीजिए, पीने के बाद में आप थोड़े थोड़े दूध पीने की आदत डालिए, दूध भी डाइजेस्ट हो जाएगा। वो क्या है कि पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है, वात का अनुलोमन करता है, और ये वास्तव में बवासीर, शूल, इन सब के लिए भी जो है ना, ये चित्रक या चीते की जड़, यह भी बहुत ही लाभकारी मानी गई है। तो इसी तरह से जो है शरीर में शीतलता उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि शरीर में जब बहुत गर्मी हो, जब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो, परेशानी हो, तो बोले एक दवाई बता दो, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर के अंदर शीतलता पैदा कर सकते हैं। उसके लिए कहा उदीच्य जो है इसके लिए बहुत ही अद्भुत है, सुगंध वाला उसको कहा जाता है, सुगंध वाला को सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी गई है। इसी तरह से कहा कि जब बुखार भी चढ़ रहा हो और जोड़ों में दर्द भी हो, बलगम भी हो रहा हो, तो बोले जब बुखार भी हो, गठिया जैसा भी हो, लीवर भी खराब हो, बहुत सारी जब परेशानी, जैसे कहते हैं ना शरीर के अंदर टॉक्सिक भी बढ़ा हुआ हो, जब आपको दिन को दिखाई दे कि ये तो क्या क्या दवाई खानी पड़ेगी, बोले जी उसके लिए एक उपाय बता दो, ज्वर है, वात रक्त है, गठिया है, और जो कफ भी बढ़ा हुआ है, तो कहा कि इसके लिए गिलोय, गिलोय, अमृता, गुड़ूची, यह रसायन है, बोले ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, यह आयुर्वेद के शास्त्र ऋषि लोग कह रहे हैं। और इसी तरह से किसी को चाहिए, वो कह रहा है कि हम क्या करें कि हमारा बिल्कुल नामर्द हो गए हैं, स्तंभन भी खत्म हो गया, पेट भी खत्म हो गया, खाया पिया रुकता नहीं है, और जो है वो जो है बिल्कुल बार बार दस्त भी लग जाता है, बड़ी कमजोरी भी होती है, वायु भी बढ़ रहा है, कफ भी बढ़ रहा है, दस्त भी लग रहे हैं, तो हम क्या करें, बड़ी पाचन भी ठीक नहीं है। तो कहा बिल्व अद्भुत है, बिल्व, यदि आप बेल का मुरब्बा खा सकते हैं, बेल की कैंडी खा सकते हैं, और बेल के जो अधपक का जो फल होते हैं, बेल का पाउडर कर करके उसका सेवन कर सकते हैं, पेट के लिए, दस्त के लिए, और कमजोरी के लिए, और इस तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए बेल को सर्वोत्तम माना गया है।
और लोगों ने कहा कि वात का अनुलोमन के लिए, जैसे कहते हैं कि तीनों दोष, बोले मेरा तो सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, कहा उसके लिए तुम अतीस, अतीस हालांकि बहुत महंगी औषधि है, वो मिल जाती है, शुद्ध मिले, बाजार से थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि आप उसको लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। किसी ने कहा कि मुझे तो मूत्र त्याग में बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है और मैं जो है बार बार जाना पड़ता है, विशेष कर करके एक आयु के बाद में वृद्धावस्था में, तो जिन लोगों को बार बार जो मूत्र कृच्छ जिसको बोलते हैं, जो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या जवानी में भी कभी कभी जो है रुक रुक करके पेशाब होता है, जलन होती है, उसमें उसके लिए क्या करें, ऐसी जो मूत्र संबंधी जो विकार के लिए क्या औषधि खाएं, एक ही औषधि बता दो, उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आयुर्वेद में ऐसी स्थिति के लिए गोखरू को सर्वोत्तम औषधि माना गया है कि गोखरू खाइए, गुर्दे की या जो मूत्र संबंधित विकार हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर कर दीजिए, और उसके साथ में थोड़ी सी शिलाजीत आप ले लें तो और भी अद्भुत है। शिलाजीत ना मिले तो गोखरू खाइए और अपनी पेशाब की बीमारी दूर भगाइए, ये अद्भुत है। और ये गोखरू बहुत मिलता है, और हरियाणा में और राजस्थान में तो मेरे भाई गोखरू इतना होता है खेतों में कि अभी जैसे सर्दी के बाद में जब वो सूख जाता है तो जहाँ जाओ वो गोखरू के कांटे पैरों में घुस जाता है, वहाँ जिसको आपने बेकार माना है वो बेकार नहीं है, ये बहुत अद्भुत औषधि है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी तरह से लोगों ने कहा कि विरेचन के लिए पाचन शक्ति को, बोले मेरे को थोड़ा सा दस्त भी चाहिए पर पाचन शक्ति को भी मेरे को बढ़ाना है और कफ भी मेरा बनता है तो मैं क्या करूं, बोले मेरे को एक औषधि बता दो, उसके लिए जो है आयुर्वेद के अंदर अम्लवेतस, अम्लवेतस हालांकि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आयुर्वेद के अंदर, अम्लवेतस कौन सी औषधि है, सही कौन सा अम्लवेतस है, मिलने में भी थोड़ी सी कठिनता है, पर इसको भी एक अद्भुत औषधि आयुर्वेद के द्वारा शास्त्रों में ऋषियों ने बताया है। और लोगों ने कहा कि हमको बवासीर है, पाइल्स है, और बोले अंदर सूजन भी आती है, आंतों में बहुत खुश्की रहती है, हम क्या करें, तो पाइल्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छाछ को, तक्र को बहुत ज़बरदस्त चीज़ मानी गई है, इसीलिए जिनको पाइल्स की शिकायत होती है हम उनको दवाई भी देते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मट्ठे के साथ ले लेना, जैसे अर्षकल्प वटी आप खाते हो तो मट्ठे के साथ खाइए, हालांकि इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक औषधि है पाइल्स के लिए, जो बकायन के बीज हैं, आपने देखा होगा नीम के जैसे ही एक और पेड़ होता है मिलता जुलता, फल लटकते रहते हैं, बकायन एक ऐसा पेड़ है जहाँ अगले पुष्प और फल आते हैं पर पिछले फल लटके ही रह जाते हैं पेड़ पर, उसको पीस करके पाउडर करिए, उसके बाद में लगभग आप 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक आप ले सकते हैं, सुबह मट्ठे के साथ लीजिए, शाम को पानी के साथ ले लीजिए, फिर देखो बवासीर की छुट्टी, पेट की, इंडाइजेशन की, कब्ज की, ये एक अचूक औषधि है। और मट्ठा भी जो है तक्र को जो है आयुर्वेद में बहुत उसकी प्रशंसा की गई है, तो भोजनांते पीवे तक्रम ये कह करके बहुत प्रशंसा की गई, रात्रि को नहीं मध्यान्ह को आप भोजन के बाद में तक्र जरूर पीजिए, तो इससे बवासीर, इंडाइजेशन, कब्ज, इन सब रोगों से आप बच सकते हैं। और कहा कि चंदन में शरीर में से बदबू आती है और जलन भी होती है, क्या करें, चंदनम शीतलम लोगे, अरे पहले से ही कहा कि चंदन है तो शीतलता है, तो चंदन का लेप करना, बहुत बहुत सुंदर बाल चाहिए, अरे गला भी बहुत सुंदर चाहिए, और बोले मेरी स्किन में जो है ना ये भी कलर भी रंग भी चाहिए, क्या करें, तो उसके लिए कहा कि यदि आपको अच्छे बाल चाहिए, अच्छे स्वर चाहिए और अच्छी त्वचा चाहिए तो बोले एक ही औषध, बोले बहुत बहुत बेहतरीन है, बोले और किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको कहा कि आप मुलेठी का प्रयोग करिए, मुलेठी का काढ़ा हम देते हैं, उसको काढ़े को उबाल करके यदि आप पीते हैं तो उससे गला भी ठीक रहता है, पेट भी ठीक रहता है, आपकी स्किन का कलर भी ठीक रहता है, ये अद्भुत आयुर्वेद के अंदर माना गया है। आज हम एक एक टिप्स दे रहे हैं आपको, एक एक औषधि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दवाई और कई रोगों में लाभकारी, या एक औषधि एक दवाई में लाभकारी, और आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ औषधि कौन सी है, किस रोग के लिए है, हम वही बात कर रहे हैं। इसी तरह से जोरों के लिए बुखार चढ़े तो सर्वश्रेष्ठ क्या औषधि है, कहा कि उसके लिए मुस्ता यानी कि नागर मोथा ले लें, चाहे पित्त पापड़ा, ये दो औषधियाँ सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, नागर मोथा
आराम से आपको पंसारी क्या मिल जाता है वो लाइए, काढ़ा बनाइए, पीजिए, उसकी मात्रा है लगभग 3 ग्राम की मात्रा में, उबाल करके सुबह शाम आप ले लीजिए। और कहा कि मेरे को वोमिटिंग होती है, बार बार मेरे को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, दिल बैठता है, ये होता है यदि घबराहट होती है, उल्टी जैसे होने को होती है, उसके लिए कहा कि जो है जो पैडी है ना, जो खील है जिसको लाजा भी बोलते हैं, खील बोलते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अब खील का सेवन, जिनको वोमिटिंग होती है या जिनको कुछ भी हजम नहीं होता है, उस खील को आप दूध में डाल करके भी ले सकते हैं, खील का सेवन वैसे भी कर सकते हैं, खील में थोड़ा सा शहद मिला करके हल्का सा मीठा बना करके भी खा सकते हैं, खील से बढ़िया कोई औषधि नहीं। तो उसको आप इसके लिए, वमन के लिए, उल्टी के लिए, बेचैनी के लिए, जब कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, जी मिचला रहा हो, तो आप उसका सेवन कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। फिर मधुमेह के लिए, प्रमेह के लिए, आज के कॉमन बीमारी है, या मधुमेह और प्रमेह की वजह से पेशाब में परेशानी हो रही है, उसकी वजह से बेचैनी हो रही है, तो आयुर्वेद में कहा गया कि ऐसे स्थिति में आपको मेरे भाई आंवला और हल्दी का प्रयोग करना है। तो आप कच्ची हल्दी और कच्चे आंवले का प्रयोग भी कर सकते हैं, और आंवले का जूस और हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं, और उसको कच्चे के रूप में, सूखे के रूप में, हालांकि दुर्भाग्य से आज हमारे यहाँ हल्दी भी, हमको शुद्ध हल्दी मिलना मुश्किल है, पतंजलि का हल्दी जरूर शुद्ध है, बाकी जहाँ से भी आपको मिले, कच्ची हल्दी मिले, ताजी हल्दी मिले, हल्दी और आंवला मिला करके चाहे चटनी बना करके भी आ सकते हैं, जैसे गुजरात आदि प्रांतों में तो एक परंपरा है, कच्ची हल्दी का अचार भी बना करके खाते हैं, तो अचार में क्योंकि मसाले और तेल दूसरी चीज़ डाल देते हैं, तो वो कई दूसरे उसके जो है गुण खत्म हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको करना है कच्ची हल्दी में सिर्फ, ठीक है, थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ सकते हैं, और आंवला हल्दी या चटनी बना करके पीस करके, या फिर हल्दी जैसे हमने बताया रस जूस निकाल करके या पाउडर के रूप में भी आप ले सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए भी आंवला, डायबिटीज वालों के लिए भी हल्दी बहुत ही अद्भुत है, और डायबिटीज की वजह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी हल्दी और आंवला आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। बात करते हैं कि वात और कफ रोगों से होने वाली जो पेट का जो रोग है या कब्ज है, जो क्योंकि सब तरह की जो रोगों का कारण है वो पेट माना गया है, ये खतरनाक है, पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, यानी कि ये शरीर का मध्य प्रदेश है, सेंट्रल प्रदेश जब हिलता है तो बहुत उसका दूर दूर तक उसका असर और प्रभाव जाता है। तो इसके लिए कहा कि इसके लिए आप हरी तकी का प्रयोग करिए, हरड़ का करिए, हरड़ की प्रशंसा हम पहले भी बहुत कर चुके हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रशंसा की गई, मांसक के साथ उसकी तुलना की गई है, तो हरड़ को कई तरह से आप ले सकते हैं, हरड़ का पाउडर करके वैसे भी ले सकते हैं, यदि कोई सौम्य प्रकृति का है, पेट और कब्ज के लिए उस तरह से साफ नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हरड़, छोटी हरड़ ले लीजिए और थोड़े से अरंड के तेल में उसको तवे पे हल्का हल्का सेंक लीजिए, वो खिल जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके इमाम जस्ते में कूटिए, शीशी भर के रखिए, छोटा बच्चा हो तो आधी चम्मच, बड़ा हो तो एक चम्मच, डेढ़ चम्मच आप दे दीजिए, इससे पेट साफ हो जाएगा, ये निरापद है, ये ज़्यादा दस्त भी नहीं लगाएगा, और आपको बड़ा आनंद आएगा, अंदर की सारी मल की, जो पेट की गंदगी है, मल है, वो सारा निकल जाएगा, अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और कहा कि हमारा लीवर के लिए और स्प्लेन के लिए एक औषधि बता दो जो बेहतरीन क्या है, तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि पिपली सर्वोत्तम है यकृत के लिए और प्लीहा के लिए, तो उसको आप पिपली का पाउडर कर करके लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम सुबह शाम सहज से चाटेंगे, तो लीवर और स्प्लेन के लिए बहुत ही अद्भुत है, तो आप उसका प्रयोग करिए। फिर कहा हड्डी टूट गई हो तो हम क्या करें, हड्डी टूटी हुई हड्डियों के लिए, हालांकि हड जोड़ एक औषधि होती है वो भी अद्भुत है, पर आयुर्वेद कहता है कि लाक्षा यानी कि जो लाख होता है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ औषधि है, तो हमारे यहाँ लाक्षादि गुल्लू के रूप में बनी बनाए औषधि भी आयुर्वेद के अंदर मिलती है, आप उसका सेवन करिए। और कहा जिनको चर्बी बढ़ गई है, चर्बी के नाश करने के लिए सर्वोत्तम औषधि गुग्गुलू मानी गई है, गुग्गुलू शोधित गुग्गुलू ही लिया जाता है, अशुद्ध गुग्गुलू का सेवन नहीं किया जाता है, तो जितने भी जैसे मेदोहर गुग्गुलू हो, चाहे आप त्रिफला गुग्गुलू हो, इन सब गुग्गुलों के द्वारा त्रिफला गुग्गुलू लाभकारी है, क्योंकि इसके अलावा घाव को भरने में भी गुग्गुल जो है हेल्प करता है, और जिनको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए,
अतिसार और पेचिस हो तो बोले सर्वोत्तम औषधि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए सर्वोत्तम औषधि कुटज है। जैसे कुटज में कुटजा रिष्ट और कुटज घनबेटी आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध औषधियाँ हैं, बहुत ही अद्भुत है। कुटज घनबेटी तो आप समझिए कि जो पेट की जो बैक्टीरिया हैं, पेट के अंदर यदि किसी तरह से आपको बार बार दस्त लगने की शिकायत है, कभी भी हो जाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुटज लगातार ले लीजिए। और कुटज की एक खासियत ये भी है कि कुटज दस्त को तो रोकती ही रोकती है, दस्त को रोकने के साथ साथ में कुटज अर्थराइटिस में, वातज रोगों में भी बहुत अद्भुत काम करती है, हमारा अनुभूत है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कुटजारिष्ट आप पीजिए, कुटज घनबट्टी खाइए, जिनको बार बार दस्त लगते हों, डिसेंट्री हो, डायरिया हो, पेट में बहुत किसी भी तरह की इस तरह की परेशानी हो, तो हल्का आहार लीजिए, उसको कुटज से बनी हुई औषधि ले लीजिए, अद्भुत लाभ हो जाएगा। और हमने कहा कि जो कठिन जटिल जो चर्म रोग हैं, जटिल जैसे ट्यूमर वगैरह हैं, उसके लिए कहा कि सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है, बवासीर के लिए, कुष्ठ के लिए, इसके लिए कहा भल्ला तक। हालांकि भल्ला तक ये बिना शोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये थोड़ी सी जहरीली औषधि है, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्बुद जैसे जटिल रोगों के लिए भल्ला तक का, जिसमें भल्ला तक जो पाक वगैरह का या अन्य औषधियों का शास्त्रों के अंदर वर्णन है, या आयुर्वेद में जो संजीवनी है, संजीवनी वटी के अंदर भी भल्ला तक होता है, इस तरह से अनेक औषधियों में ये डला होता है, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी तरह से कृमि के लिए कहा कि जितने भी तरह की जो बैक्टीरिया हैं या किसी तरह के जो वायरस हैं, अलग अलग तरह के जो है, जो इस तरह के जो वॉर्म्स वगैरह हैं, उन सब को नष्ट करने के लिए कहा कि विडंग यानी वाय विडंग जो है सर्वोत्तम है। तो बच्चों के पेट की कृमि वगैरह के लिए, उन सब के लिए भी वो बहुत ही अद्भुत है। बोला स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति सबको चाहिए, याददाश्त सबको चाहिए कि मेरी याददाश्त ठीक हो, मेरी याददाश्त बस अद्भुत हो, मेरे भाई ब्राह्मी का सेवन कर लेना। शास्त्र में ब्राह्मी के लिए कहा गया कि स्मरण शक्ति के लिए से बेहतरीन कोई औषधि नहीं है। और कहा नर्वस सिस्टम के लिए, मेरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है, मेरे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए मैं आपको थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में हालांकि कई लोग उसका सेवन नहीं करते हैं, लहसुन को नर्वस सिस्टम के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी गई है। तो लहसुन का सेवन भी आयुर्वेद में औषधि के रूप में कभी कभी आप खा लिया करें। हाँ, स्मेल आती है, हमको भी अच्छी नहीं लगती है, हम भी प्रायः नहीं खाते हैं, परंतु औषधि के रूप में जरूरत पड़े तो जरूर सेवन कर लीजिएगा, क्योंकि वह कोई ऐसे वस्तु नहीं है कि जिससे हिंसा होती हो, इसीलिए औषधि के रूप में लहसुन खाना कोई हानिकारक नहीं है। और अजीर्ण के लिए कहा कि यदि अजीर्ण हो ना पचे तो क्या करें, अद्भुत चीज़ है अदरक। अदरक मेरे भाई खाने से पहले आप खाएंगे तो वह खाने भूख को बढ़ाएगी, खाना खाने के बीच में खाएंगे तो उसमें फिर पाचन की प्रक्रिया होगी, और खाना खाने के बाद में करेंगे तो पूरे अजीर्णों को समाप्त करेगा। अदरक तो अद्भुत है, पहले खाओ, बीच में खाओ, बाद में खाओ, जब भी खाओ अदरक खाओ, और अपने खाए हुए को पचाओ, और गले को और जो है श्वसन तंत्र को ठीक रखो, बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इसलिए अदरक का सेवन पाचन के लिए ठीक है। इसलिए जिनको भूख कम लगती है वो क्या करें, खाने से पहले थोड़े से दो ग्रास के साथ में थोड़े अदरक के टुकड़ों को चबा चबा करके खाएं, और जिनको थोड़ा अपचन होता है भोजन के बाद में लास्ट ग्रास के साथ में अदरक को चबा चबा के खाएं, बहुत ही अद्भुत है। और जिनको श्वास की बीमारी, अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, खांसी होती है, तो उसके लिए कहा कि पिपली है, बासा है, कंटकारी पिपली और बासा को इसको अद्भुत माना गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर हम होंगे आपके बीच, और नई नई जानकारियाँ, नए नए ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद की उपाय और विधाओं को लेकर के। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम नमस्ते, प्रणाम।